हाय एवरीवन, माय सेल्फ गंधर्वश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे टीचर जो हैं अब डिजिटल बोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, कैमरा की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कब डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, डिजिटल बोर्ड EMI पे मिल सकता है क्या, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है टीचर का। हम लोग टीचर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमको पता है, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2023 के बारे में, बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड, ठीक है। 2023 में आपको डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, डिजिटल बोर्ड जो होता है ये तीन मतलब साइज का आता है, ठीक है। अभी जो जनरली चल रहा है मार्केट में, 65 इंच का एक आता है, एक आ जाता है आपका 75 इंच का, और बहुत सारा कंपनी जो है, अलग अलग कंपनी होता है, जो 85 इंच आता है और एक आता है 86 इंच। तो आपको ये डिपेंड करता है, 85 आता है और एक आता है 86 इंच। तो ये तीन तरह का डिजिटल बोर्ड आता है। अच्छा, फिर इसमें चूज करने में दिक्कत हो जाता है टीचर लोग को, तो ये कौन सा लेंगे। लेकिन आपको यहां बता देते हैं कि 85 या 86 वो टीचर को लेना चाहिए जो कि मतलब मैथ का कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो कैलकुलेशन इसका क्या होता है ना, ये डिजिटल बोर्ड में एक बार नहीं हटता, बार बार उसको ये इरेज करने में क्या होता है ना, तो स्टूडेंट वगैरह फीडबैक, ये स्क्रीनशॉट जो लेते हैं ना, तो उसमें दिक्कत हो जाता है स्क्रीनशॉट लेने में। यदि आप MCQ पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, GK GS पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए 65 भी चलने वाला है। नहीं तो जनरली सबसे ज्यादा जो डिजिटल बोर्ड लेते हैं लोग, वो 75 होते हैं। ये ना तो उतना बड़ा होता है ना तो छोटा होता है, मीडियम साइज होता है, आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड रिक्वायरमेंट पे है आपका, किस टाइप से घर किस टाइप से बना हुआ है, उसके रिक्वायरमेंट क्लासेस किस टाइप से है, उसके रिक्वायरमेंट पे आप लोग इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कंपनी को चूज करना। तो कंपनी देखिए, अलग अलग वेंडर आपको अलग अलग कंपनी देगा, ठीक है। लेकिन आप हमको कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां से जो है, हम लोग अभी 6 से 7 महीने से डिजिटल बोर्ड पे वर्क कर रहे हैं, मतलब उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन ऐप वेबसाइट पे वर्क चल रहा था, अभी जो डिजिटल बोर्ड पे चल रहा है वर्क, तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट मतलब इसको टीचर वगैरह को दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आया उसमें, ठीक है। तो और दिक्कत वगैरह जो भी आता है तो हम लोग का पूरा फुल सपोर्ट रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी कंपनी का कहिएगा तो हम लोग उस कंपनी का प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग दे रहे हैं, अभी हम लोग बेंचमार्क कंपनी का दे रहे हैं, ठीक है। बेंचमार्क कंपनी का हम लोग मैक दे रहे हैं, प्लस बेंचमार्क कंपनी का आपका ये दे रहे हैं, डिजिटल बोर्ड दे रहे हैं। तो आप लोग बेंचमार्क कंपनी का मैक और बेंचमार्क कंपनी का डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। तो अभी जो है हम आए हुए हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस, एक है जहां पे हम लोग लगवाए थे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड लगवाए थे आज से 7 महीना पहले। तो थोड़ा अभी जो है फीडबैक ले लेते हैं इनका, अभी 2,80,000 करंटली सब्सक्राइबर्स है। तो देखिए सर आ रहे हैं, ठीक है, सर आपको फीडबैक बता देंगे इसके बारे में, डिजिटल बोर्ड के बारे में थोड़ा सा। तो आप लोग इसके बारे में जान लीजिए क्या कैसे है, डिजिटल बोर्ड कैमरा के बारे में सर बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये जैसा कि आपको गौतम जी बता रहे थे, तो आप लोग जब भी पैनल खरीदते हैं एक बढ़िया जगह से खरीदिए, चाहे यहाँ से लीजिए या फिर जहाँ से भी लेना है। लेकिन मेन होता है कि ना, पैनल में आपका इम्पोर्टेंट पैनल लेना ही नहीं होता है, उसके बाद जो सर्विस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर जो भी सर्विस अच्छा दे रहा है, अगर गंधव भी दे रहे हैं तो इनसे लीजिए, जहाँ पर भी सर्विस आपको बढ़िया दे रहे हैं वहाँ से आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है ना। हमें कोई दिक्कत अभी तक हुआ नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग बाकी आप लोग है ना यहाँ से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। समझ गए आप लोग, ये जो है इनका 6 से 7 महीना डिजिटल बोर्ड यूज करना हो गया, तब जो है फीडबैक लेने के लिए आए थे सर के यहाँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वाली वीडियो में, ठीक है। आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है।